यहाँ के जानू जादू क्या You're so funny. जानू एक मिनट नबील अब सुनो यार मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ हाँ 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 बस कर रही हूँ फोन ओके बाय तुम देख नहीं रहे हो नबील देख रहा हूँ जानू तुम कितनी प्यारी लग रही हो आज मेरा मतलब है तुम देख नहीं रहे मैं फोन पे बात कर रही थी छोड़ो ना जानू इस फोन को मैं सोच रहा था कि आज तुम्हें फिल्म दिखाने लेके जाता हूँ really? उसके बाद तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा और बाद में हम कैंडल लाइट डिनर करेंगे फिर घर आएंगे अच्छा और इस सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे हमारे इकलौते और प्यारे स्पॉन्सर जो है हमारे प्यारे बापा जी मेरे पापा के पास पैसों का दरख्त नहीं लगा हुआ नबील अरे उन्हें पैसों के दरख्त की क्या जरूरत है जानू वो तो खुद पैसों का जंगल है जंगल खबरदार जो मेरे पापा के बारे में कोई ऐसी वैसी बात की काश मैं उन्हें तुमसे अच्छा दामाद दे पाती मुझ जैसा दामाद अगर वो चराग लेकर भी ढूंढेंगे तो उन्हें नहीं मिलेगा जानू सच का नबील तुम जैसा निकम्मा और मुफ्तखोर आदमी कहीं नहीं मिल सकता खूबसूरत मैं तुम्हारा शौहर इसी बात का तो अफसोस है अगर इतना ही अफसोस है तुम्हें तो निकल जाओ इस घर से ये घर मेरा है नबील जहाँ तुम और तुम्हारे घर वाले मुफ्त की रोटियाँ तोड़ते हैं तो ठीक है फिर कल से इस घर में सिर्फ चावल बनेंगे अब तो खुश ना जानू टू मच नबील उफ थैंक यू जानू थैंक यू हाँ यार मैं वाकई तंग आ गई हूँ अपने शौहर से क्या तुम वाकई मुझे अभी भी इतना ही चाहते हो काश मेरी शादी तुमसे हुई होती जानू जानू तुम कितने स्वीट हो जानू ये तो मुझे नबील को बताना होगा जरूर थैंक यू पुत्र तूने वैसे स्मीना को बड़ी टील दी भी है कौन समीना माँ जी मेरी बहू और कौन ओ माँ जी वो खूबसूरत है ओए खूबसूरती तो इसे कहते हैं पुत्र 13 फिल्मों की ऑफर हुई थी जवानी में तो आपने की क्यों नहीं माँ जी पुत्र डायलॉग याद नहीं होते थे ना मुझे नबील 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 क्या हो गया महमूद साहब नबील मैं अपने कानों से सुन के आ रहा हूँ महमूद साहब हम सब अपने कानों से ही सुनते हैं भाई यार नबील तुम यकीन नहीं करोगे कि मैं अभी क्या देख के आ रहा हूँ महमूद साहब आपको शर्म नहीं आती इस उम्र में वाहियात चीजें देखते हुए ओहो तुम गलत समझ रहे हो भाई मैंने अभी अभी खूबसूरत को किसी लड़के से बातें करते हुए सुना है क्या हाँ और पता है वो उसे ना जानू जानू कह रही थी जानू ये क्या कह रहे हैं आप मामू साहब और मुझे तो उस कलमोही पर पहले ही शक था सारा दिन फोन से चिमड़ी रहती थी माँ जी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि खूबसूरत ऐसा कर सकती है भाई तुम्हें यकीन नहीं है तो जाके खुद देख लो जाके देखो वो कैसे हंस हंस के अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही है ओए मैं तो कहती हूँ अभी उसे गुत से पकड़ के ना अंदर ले आ ओ माँ जी खूबसूरत की चोटी नहीं है यार नबील अगर मेरी बीवी ने ऐसा किया होता ना मैं उसकी टांगे तोड़ देता चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं यार बबल बनाए जलता जा कोई है जाए जलता जा यार मैं तुम्हें क्या बताऊं मेरा मियां किस कदर घटिया आदमी है मेरी तो जिंदगी अजाब हो गई जब से उसे शादी की है यार काश तुमसे शादी हुई होती मेरी नबील तुम छुप छुप कर मेरी बातें सुन रहे थे तुमने आज तक मुझे जानू नहीं कहा और एक पराए मर्द को जानू जानू कहकर बातें कर रही हो शट अप नबील जानू मेरा बचपन का दोस्त है कम से कम अब तो उसको जानू ना कहो बेवफा औरत डोंट कॉल मी औरत हाँ तुम औरत नहीं हो तुम चुड़ैल हो नागिन हो क्या बकवास कर रहे हो तुम नबील धन दौलत ऐशो आराम मैंने किस चीज की कमी होने दिया तुम्हें एक्सक्यूज मी ये धन दौलत पैसा आराम ये सब कुछ मेरे पापा का दिया हुआ है तो क्या हुआ मैंने हमेशा तुम्हारे पापा को अपना पापा समझा जी नहीं वो सिर्फ मेरे पापा है और घर सिर्फ मेरा है खबरदार खूबसूरत जो तुमने इस लड़के से दोबारा बात की हो उसका नाम जानू है और वो मुझसे मिलने आ रहा है खूबसूरत शट अप नबील नॉट ओके जानू नॉट ओके
एक मिनट, तू मेरी पहलवान वोट वाली बाजी शकीला का बेटा शराफत है ना? हाँ, तू लुंडे बाजार में बनियानों का स्टॉल लगाता है ना, बता कैसे आना हुआ शराफत? आप मुझे शराफत क्यों कह रही हैं भाई? ना तो और मैं तुझे क्या कहूँ? अरे जानू कहिए। ओए छचोरे बगैरत, शर्म नहीं आती चवल? अरे नहीं, इसमें शर्म की क्या बात है, मुझे तो सभी जानू कहते हैं। सब कहते होंगे पर मैं वो औरत हूँ। बुजुर्ग। ओए बुजुर्ग होगा तेरा बाप, मैं तो वो हूँ मोटी। ओए तूने मुझे मोटी कहा, बदमाश कहीं के? अरे देखिए ना, मैं तो बहुत शरीफ लड़का हूँ भाई। शरीफ? मैं एक शरीफ औरत हूँ, मैं तो जानू नहीं कहूंगी तुझे। लेकिन जानू तो मेरा नाम है ना भाई। बड़ा ही बहुदा नाम है, तेरी माँ को कोई और नाम नहीं मिला था रखने के लिए? देखिए प्लीज, मुझे खूबसूरत से मिलना है आंटी। हमारे घर कोई खूबसूरत सी आंटी नहीं है दिलावर। अब ये दिलावर कौन है? वो तू और कौन? अरे भाई मैं जानू हूँ, जानू। अरे तू जानू हो या मानू हो, हमने तुझसे कुछ नहीं खरीदना। अरे मैं कुछ बेच ही नहीं रहा हूँ। और जब हम खरीदेंगे ही नहीं तो तू बेचेगा कैसे बच्चू? प्लीज आंटी, देखे मैं खूबसूरत का दोस्त हूँ। पर तू तो कहीं से खूबसूरत नहीं है। हम दोनों बचपन के दोस्त है, बचपन। तो आप तो बड़ा हो गया ना तू। देखे खुदा का वास्ता है, घर आए मेहमान से कोई इस तरह का बर्ताव करता है? और तू हमारा मेहमान है, पहले क्यों नहीं बताया तूने? हम तुझे वहाँ बैठाते। कहाँ? जहाँ बैठ के तुझे बड़ा अच्छा लगता। सोफे पर? और नहीं सोफे पर नहीं, आँखों पर। आपका मतलब है सर आँखों पर? हाँ वही, तुझे सर आँखों पर बैठाते। नहीं प्लीज, खुदा का वास्ता है, आप मुझे सिर्फ सोफे पे बैठा दे, दैट्स इट। अच्छा सोफा अंदर है, आजा फिर। अच्छा आजा, गॉड आजा, सीधी कर। ये माँ जी है और ये महमूद साहब मेरे ससुर। मेरा तारुफ नहीं करवाओगी? और हाँ ये है नबील। खैर मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे प्रेजेंट्स लाया हूँ और सारे तुम्हारी पसंद के हैं। ओए मेरे लिए कुछ नहीं लाया तू रानू? इसका नाम जानू है मोमो। एक तुम ही तो हो जिसे मेरा ख्याल है जानू, वरना मुझे यहाँ कौन गिफ्ट देता है? मैं हूँ ना बेबी। ओए इसका नाम बेबी नहीं है बल्कि ईस है। ओफो जानू, तुम ऐसा करो अंदर कमरे में जाके ना फ्रेश हो जाओ, फिर हम सुकून से बैठकर बातें करेंगे। गुड आइडिया। ये जो सूटकेस है ना ब्लैक वाला, ये मेरे कमरे में रख दो, शाबाश। ओए मैं तुम्हारा सामान नहीं उठाऊंगा, शपड़ को ले। इतना बदतमीज नौकर है तुम्हारा। ओए ये नौकर नहीं है, माली है इस घर का। माली? अरे माली नहीं, मालिक है इस घर का। हाँ यही यही। और ये कनीज का शोहर है। कौन कनीज? मेरा शोहर है नबील। ये है वो नबील, निकम्मा बेकार इंसान। हाँ यही है यही है। मैं तुम्हें शादी करने के लिए कोई और नहीं मिला था बेब, क्या है यार? खबरदार जो मेरी बीवी को बेबी का, मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। नबील ये मेरा मेहमान है, तुम इससे ऐसे बात नहीं कर सकते। खूबसूरत, तुम्हारा ये चुंदर सा मेहमान इस घर में नहीं रह सकता। ये इसी घर में रहेगा। हाँ तो ठीक है, या तो ये इस घर में रहेगा या मैं रहूंगा। तो ठीक है तुम अपना सामान पैक कर लो। खूबसूरत, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। शायद उनका आखरी हो ये सितम। शायद उनका आखरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच कर हम सह गए। वफा करके भी तन्हा रह गए। मारे वैसे नबील एक बात है। क्या महमूद साहब? तुम हो बहुत बेगैरत। महमूद साहब जुबान संभाल के बात कर रहे हैं यार। वो जो मैंने संभालनी है वो जुबान है। हाँ जी। अरे क्या हाँ जी, तुम्हारी बीवी ने तो तुम्हारी नाक ही काट दी है। हाय, उस चड़ैल ने मेरे पुत्र की नाक काट दी। हाय मेरे पुत्र, तू अब देखेगा कैसे। ओ माँ जी, मैं नाक से थोड़ा देखता हूँ यार। तो फिर कहाँ से देखता है? आंखों से भाई। देखो नबील एक बात है, इन बीवियों को ना काबू में रखना चाहिए। अब देखो तुम्हारी माँ है, मेरे सामने चू नहीं करती।
उधर मैं तो कहती हूँ तू जमीला के मुंह पे वो मार। वो क्या कुर्सी? अरे कुर्सी मत मारना नबील, उसको बहुत ज्यादा चोटें आ जाएंगी, एक आध थप्पड़ लगा देना। उधर मैं तुझे उसे वो देने के लिए कह रही हूँ। ओ माँ जी, मैं उसे एक बूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अरे नबील देखो, इससे पहले के मामला तलाक तक पहुँच जाए तुम लोग बैठ के बात कर लो। हाँ, तलाक। पुत्र मार उसके मुंह पे तलाक। माँ जी, अगर मैंने उसे तलाक दे दी ना तो वो हमें घर से निकाल देगी, हम सड़क पे आ जाएंगे। अच्छा तो पुत्र फिर तू सब्र कर। माँ जी। हाँ नबील, अगर उसने हमें घर से निकाल दिया तो हम इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? क्यों मामो? बुढ़ा होगा तू मसूद महमूद और फिटे मुँह महमूद का। बस अब बहुत हो गया। अरे अभी तो आधा एपिसोड पड़ा है यार। मेरा मतलब बहुत सह लिया मैंने, अभी जाकर उस जानू के बच्चे की खबर लेता हूँ मैं। आए वो अपना बच्चा भी साथ लाए। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। शाबाश शाबाश। तुमने दिखाया नहीं मुझे। मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें। अभी अब तुम्हें दिखाऊंगा। जानू ये सब क्या हो रहा है? यस आई लव हिम। जानू क्या है? चुप करो, मैं अपनी बीवी को जानू कह रहा हूँ। जानू तुम एक इतने टैलेंटेड आदमी को छोड़कर एक लंगूर के साथ कैसे जा सकती हो? मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए नबील। क्या? हाँ, मैं और जानू शादी करना चाहते हैं। मैं इसको जान से मार दूंगा। ओ गॉड, कितना लो क्लास इंसान है तुम्हारा शोहर, चीप टी शर्ट पहनने वाला इंसान, कैसे बर्दाश्त करती हो उसे तुम? बस क्या बताऊं जानू, कितना तंग किया इसने मुझे और मेरे पापा को। पापा जी का सोचो, अगर उन्हें पता चला कि तुमने उनके इकलौते चहेते दामाद को धोखा देकर इससे शादी की है, उन्हें कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, जान छूट जाएगी ना उनकी तुम लोगों से, बहुत लूट लिया तुमने उन्हें। अभी कहा जानू, अभी तो सारी जायदाद मैंने अपने नाम करवानी है उनकी। क्या देख रहे हो तुम, इस चीप इंसान ने इसलिए तुमसे शादी की थी, पैसों के लिए। हाँ तो तुम किस लिए शादी कर रहे हो इससे? मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, करोड़ों रुपए का बिजनेस है मेरा। तुम्हारे पास अगर इतना है तो तुम मुझसे मेरा अमीर सुसर क्यों छीन रहे हो? क्या? मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे अमीर सुसर की प्यारी सी बेटी मुझसे बात छीन मेरे भाई। सॉरी नबी, इट्स डिसाइडेड, तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो और मैं और जानू शादी कर रहे हैं। और शादी के बाद मैं खूबसूरत को पेरिस लेके जाऊंगा। लाइक पेरिस? पेरिस? यस, यू लाइक इट? ओह वाओ, आई लव इट। डन, वी आर गोइंग। नबील तुमने देखा, तुम आज तक मुझे एक पिज्जा नहीं खिला सके और जानू मुझे पेरिस लेकर जा रहे हैं। ओ भाई, पिज्जा खाने के लिए पेरिस जाने की क्या जरूरत है? शट अप नबील, नॉट ओके, जहरीले जानू। व्हाट बेब्स, चलो हम शॉपिंग पे चलते हैं, बहुत सफोकेशन हो रही है मुझे, प्लीज। चलो, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। कितने बुरे मुंह से रो रहे हो नबील। लेकिन ये फरकान रो क्यों रहा है अफरान? अरे इसलिए कि इसकी बीवी ने इसे धोखा दिया। लो तो मैं भी तो आपको हर चीज धो धो के देती हूँ ना, धो के ही तो देती हूँ ना। ओहो मोमो, अरे खूबसूरत दूसरी शादी कर रही है क्या? उस चड़ैल की इतनी जुर्रत। और तो और माँ जी, वो उस जानू के साथ मेरे सामने शॉपिंग पे चली गई। ओए मेरे बगैर शॉपिंग पे चली गई है, बस अब मैंने उसे नहीं छोड़ना रियाज। महमूद। हाँ, अब मैंने महमूद को नहीं छोड़ना रियाज। यार महमूद साहब, खूबसूरत को रोकने का आप ही कोई आइडिया बता दे। अरे गोली मारो खूबसूरत को। आपके पास पिस्तौल भी है वकार? नहीं तो ना, तो ये गोली कैसे मारेगा फरजाना को? ओए मैं तो कहती हूँ जहर दे दे पुत्र फरजाना को। ओ माँ जी, कोई ढंग का आइडिया दे यार। तू ना पुत्र दूसरी वो ले आ। वो क्या? वो जो मैं सरफराज की हूँ। तुम सरफराज की क्या हो? मैं उसकी मोहब्बत हूँ जवेद। कौन है ये सरफराज जो मेरी बीवी को फरगला रहा है? और सरफराज तो मैं आपको कह रही हूँ। मैं महमूद हूँ और तुम सिर्फ मेरी बीवी हो। हाँ हाँ बीवी, पुत्र तू दूसरी बीवी ले आ, देखना मैं अपने पुत्र के लिए कैसी चांद सी दुल्हन लाऊंगी। ओ माँ जी, ऐसे अमीर सुसर की अकलौती बेटी रोज रोज मुझती थोड़ा है यार, मुझे खूबसूरत को रोकना होगा। ला फिर नबील, मुझे कमाल का आइडिया आया। वो जो आपको कमाल का आया है वो आइडिया है? हाँ जी। ओ यार बताए ना नबील, तुम ना
खुदकुशी कर लो। मामू साहब, अरे मेरा मतलब है खुदकुशी का ड्रामा कर लो यार। वाह मामू साहब, अब चलाना आपका शैतानी दिमाग। थैंक यू मामू साहब। बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरह खुदकुशी करी। अब खूबसूरत को उस जानू को छोड़ना होगा। यस यस यस। नबील, तुम यहाँ ऊपर खड़े क्या कर रहे हो? पंखा साफ कर रहा हूँ। वेरी गुड नबील, फिर सारे कमरों की खिड़कियाँ और पंखे अच्छी तरह साफ कर देना। खूबसूरत, मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। चलो, तुमने कुछ तो अच्छा करने का सोचा। क्या? देखो, तुम्हें जो भी करना है शाम से पहले पहले कर लेना, क्योंकि शाम को खूबसूरत मेरे साथ चली जाएगी। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती खूबसूरत। मैं जा रही हूँ नबील। खूबसूरत, इस जानू में क्या है ऐसा जो मुझ में नहीं है? इसके पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ जी है जानू। क्या माँ? और घटिया आदमी, मैं अपनी जानू से बात कर रहा हूँ, बीच में मत बोल। ओ चलो ना, बस अब यहाँ से मैं इस शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, अब तुम आराम से खुदकुशी करो। बेच अपना सामान पैक करो, हम चल रहे हैं। अब मेरी बात सुनो जानू। और तू लियाकत को छोड़ के इस तरह नहीं जा सकती शनाज। हटे मेरे रास्ते से माँ जी, प्लीज। तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नबील की लाश पे से गुजरना पड़ेगा। क्या? चल पुत्र, जल्दी से लाश बन जा। देखें, अब खूबसूरत मेरे साथ रहेगी और मेरे आलीशान बंगले में रहेगी। तो पुत्र, मुझे भी ले चलना। दे क्या? हाँ तो मैंने तो तुझे हमेशा बेटी समझा, बहू नहीं समझा। माँ जी। हाँ भाई नबील, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अब हम इस बुढ़ापे में सड़क पे तो नहीं रह सकते ना। सड़क पे? हाँ भाई, खूबसूरत के जाने के बाद उसके पापा हमें थोड़ा पालेंगे मुफ्त में। हाँ, इसीलिए हम भी रजवाना के साथ ही जाएंगे। मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर चल सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या पुत्र, बोल ना। घर के सारे काम आप और महमूद साहब मिलकर करेंगे। वशे। ठीक है भाई, वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। क्या कहा आपने? कुछ नहीं पुत्र, हमें तेरी हर शर्त मंजूर है, चल। खूबसूरत माँ जी, महमूद साहब, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते यार। कर सकते हैं नबील, और अगर तुमने मुझे डिवोर्स नहीं दी ना, तो मैं तुम्हें अदालत में घसीटूंगी। तो पुत्र, इसे इधर ही घसीट ले शहर बानो। सूरत, खूबसूरत की फिक्र ना कर, उसे मैं घसीट लूंगी। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, हमें तेरी सारी शर्तें मंजूर है। माँ जी, महमूद साहब, खूबसूरत मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मैं नौकरी करूंगा। मैं नौकरी करूंगा जानू, जानू मैं वादा करता हूँ, मैं नौकरी करूंगा। नौकरी करूंगा। जानू, जानू तुम छोड़ कर नहीं गई मुझे? नबील, तुम सच कह रहे हो तुम नौकरी करोगे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया खूबसूरत? मैं मर सकता हूँ लेकिन नौकरी नहीं कर सकता। मुझे पता था तुम कभी नहीं सुधरोगे। अच्छा चलो उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरे बचपन का दोस्त आ रहा है मुझसे मिलने। बचपन का दोस्त कौन? जानू। नहीं, नहीं।